वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें। मूवी का स्टार्ट होता है एक डॉक्यूमेंट्री मेकर माइकल किंग से, और वो गॉड, शैतान और इस तरह की किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता। लेकिन जो माइकल की वाइफ होती है वो गॉड और इस तरह की चीजों पर यकीन रखती थी। माइकल की वाइफ काफी सालों से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाती थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि माइकल अपनी वाइफ के साथ यूरोप घूमना चाहता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में माइकल की वाइफ की मौत हो गई। अपनी वाइफ की मौत के बाद माइकल उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम ये मान लो कि तुम ये सब कुछ ड्रामा करती हो और तुम्हारा किसी भी स्पिरिचुअल या पैरानॉर्मल चीज से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तब माइकल की ये बात उस लेडी को काफी बुरी लगती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अपनी वाइफ के मरने के बाद माइकल खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। माइकल की बहन वहाँ पर आकर उसके साथ रहने लगती है ताकि वो माइकल की बेटी का ख्याल रख सके। माइकल डिसाइड करता है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा ये बात प्रूफ करने के लिए कि कोई भी पैरानॉर्मल या सुपरनेचुरल जैसी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि सब कुछ इंसान के डर की वजह से होता है और इस बात का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और मार्केट में पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पर माइकल खुद पर रिचुअल करना चाहता था, इसीलिए उसने खुद को एज अ सब्जेक्ट पेश किया। उसने इंटरनेट पर एक एड दिया जहाँ पर लोग अपने अपने तरीके बता रहे होते हैं ये बात प्रूफ करने के लिए कि पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है। माइकल का एक कैमरामैन भी था जो उसे हर टाइम शूट करता रहता था। माइकल को लग रहा था कि वो ये बात साबित कर देगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, और अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो गया तो वो दुनिया का पहला ऐसा इंसान होगा जिसके पास ये प्रूफ होगा कि सुपरनेचुरल पावर सच में पाई जाती है। माइकल के दिए हुए एड पर बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं। तब माइकल उनमें से सबसे पहले एक आदमी जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था उससे मिलने आता है। वो एक्सपर्ट बता रहा होता है कि मेरे फादर ने मुझे बहुत टॉर्चर किया और तब मैंने अपने फादर से जान छुड़ाने के लिए एक डीमन से हेल्प मांगी थी और वो डीमन हेल का डीमन था और उसके फौरन बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। अब माइकल रिचुअल से रिलेट कोई चीजें लेकर आता है ताकि वो डीमन को बुला सके। फिर वो ब्लैक कैंडल्स जलाकर डीमन को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद माइकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक कपल के पास जाता है। वो माइकल को एक क्रॉस पर लिटाकर उसकी आंखें बंद करके उसे बांध देते हैं। इसके बाद वो कुछ स्पेल्स बोलने लगते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। इसके बाद माइकल को पता चलता है कि वो कपल फेक था, लेकिन इसके बाद भी माइकल हार नहीं मानता और वो एक फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलता है जो ये दावा करता है कि मैं ब्लैक मैजिक कर सकता हूँ। वो फ्यूनरल डायरेक्टर एक मेंढक की बॉडी से डीएमटी निकालता है। असल में डीएमटी एक ऐसा केमिकल मटेरियल है जो इंसान की बॉडी में मरने के बाद बनता है और इसे रिचुअल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद वो डायरेक्टर माइकल को लेकर कब्रिस्तान जाता है जहाँ पर वो एक मरे हुए इंसान की सोल को माइकल की बॉडी में डालने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद माइकल एक बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर वो फ्यूनरल डायरेक्टर उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। वो डायरेक्टर देखता है कि माइकल एक दीवार पर खड़ा हुआ है और जब माइकल टर्न करता है तो उसकी आईज का कलर ब्लैक हो चुका था। यहाँ पर साफ जाहिर था कि माइकल के साथ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है, यानी माइकल को किसी डीमन ने पोजेस कर लिया था। माइकल कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता और ये कहकर वो उस डायरेक्टर को नीचे फेंक देता है। फिर कुछ ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर रात के टाइम माइकल जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो वो बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है और साथ साथ मेरे दिमाग में कोई आवाज है जो गूंज रही है। अब यहाँ पर माइकल समझता है कि शायद ये ड्रग्स की वजह से हुआ होगा। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि माइकल का बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। वो अग्रेसिव हो गया था। वो जोर से चिल्लाकर एक ड्रावनी आवाज निकालता है और तभी उसकी आईज का कलर ब्लैक हो जाता है। साफ नजर आ रहा था कि डीमन अब आहिस्ता आहिस्ता उसे पोजेस कर रहा था पूरी तरह। इसके बाद माइकल एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है ताकि वो इस बात का पता लगवा सके कि जो आवाज उसके दिमाग में गूंज रही है उसकी वजह क्या है। तब वो साइकोलॉजिस्ट माइकल को एक थेरेपी देती है, लेकिन तभी अचानक से उनकी थेरेपी बंद हो जाती है क्योंकि लाइट्स ऑफ हो जाती है वहाँ पर। माइकल को अभी भी ऐसा फील हो रहा था कि उसके दिमाग में वो आवाजें अभी भी गूंज रही हैं और जैसे ही वो इन आवाजों के बारे में बताने लगता है तो वो जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो माइकल का कैमरामैन उसे बताता है कि कोई भी इंसान ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता जैसे तुमने निकाली थी थेरेपी के दौरान, लेकिन माइकल तो इस बात पर यकीन नहीं करता बल्कि वो उसे कहता है कि शायद कैमरे में ही कोई खराबी होगी। अब वो कैमरामैन इस बात से एग्री नहीं होता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए माइकल खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग करने लगता है। अब माइकल रात में चलने लगा था, वो अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन वो अपनी बहन के रूम में जाता है और उसे जगाने के लिए वो उसे टच करता है और तभी हम देखते हैं कि माइकल की आईज का कलर एकदम बदल गया है। वो पूरी तरह से पोजेस था, यानी वो डीमन उससे ऐसा करवा रहा था। इसके बाद माइकल की बेटी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैंने एक ड्रीम देखा है जिसमें मैंने एक मॉन्स्टर को देखा है। तब माइकल उससे पूछता है कि वो मॉन्स्टर कैसा दिखता है। इस पर उसकी बेटी कहती है कि वो आप जैसा दिखता है और मुझे
मुझे तो लगता है पापा वो मॉन्स्टर आप ही हैं। तब माइकल उसे समझाता है कि मैं आपका फादर हूँ, इसीलिए मैं तो आपको नुकसान कभी भी नहीं पहुँचा सकता। एक दिन माइकल को गार्डन में एक मरा हुआ बर्ड मिलता है और जब वो ऊपर के रूम में दिखता है तो वहाँ पर उसे डीमन खड़ा हुआ दिखता है। तब माइकल अपनी बेटी और अपनी सिस्टर को चेक करने के लिए अंदर जाता है। तब उसकी बहन उसे कहती है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक है। अब माइकल के दिमाग में जो आवाजें गूंज रही थी वो अब उसे बोलती हुई सुनाई देने लगी थी, मींस वो आवाजें उसे कुछ कह रही थी। अब यहाँ पर माइकल को रियलाइज होता है कि उसके साथ बहुत ही खतरनाक हो चुका है। अब माइकल तंग आकर उस आवाज को कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और क्या तुम यहाँ से चले जाओगे, अगर तुम सच में एग्जिस्ट करते हो तो चले जाओ, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। और तभी माइकल को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है नो, यानी मैं नहीं जाऊंगी। फिर माइकल की इमेज स्क्रीन पर आती है जो उसे डराने की कोशिश करती है। अब यहाँ देखने पर ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन के अंदर कोई और ही है, तो इसीलिए माइकल हेल्प मांगने के लिए उसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास जाता है जिसने उसे बताया था कि मैंने अपने फादर से जान छुड़वाने के लिए डीमन से हेल्प ली थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो मर चुका है। इसके बाद वो एक फादर को कहता है कि मैं खुद पर एक एग्जॉर्सिज्म करवाना चाहता हूँ, लेकिन फादर ये कहते हुए उसकी हेल्प करने से इनकार कर देते हैं कि चर्च एग्जॉर्सिज्म नहीं करता। इसके बाद माइकल उसे फ्यूनरल डायरेक्टर के पास जाता है, लेकिन वो डायरेक्टर भी माइकल को इनकार कर देता है ये कहते हुए कि इसमें तुम्हारा ही कसूर है। इसके बाद माइकल उसी कपल के पास जाता है लेकिन वो भी उसकी हेल्प करने से इनकार कर देते हैं। अब माइकल का खुद पर कंट्रोल खत्म होने लगता है। वो एक दिन नाइफ लेकर अपनी बेटी के रूम में जाता है उसे मारने के लिए। वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था, वो अपने सेंसेस में नहीं था। फिर नेक्स्ट डे माइकल की बहन को उनका डॉग बेड पर मरा हुआ मिलता है। अब माइकल अपनी सिस्टर और अपनी बेटी को कहता है कि तुम अपने अपने फ्रेंड्स के घर चली जाओ क्योंकि चर्च ने एग्जॉर्सिज्म करने से मना कर दिया है, तो इसीलिए वो एग्जॉर्सिज्म खुद करेगा। अब माइकल खुद ही पर एग्जॉर्सिज्म करने लगता है, लेकिन एग्जॉर्सिज्म करना कोई आसान बात थोड़ी होती है, खास तौर पर उस पर्सन के लिए जिसने गॉड पर कभी यकीन ही ना किया हो। अब माइकल जब रिचुअल कर रहा होता है तो उसके हाथ में जो बाइबल होती है उसमें आग लग जाती है और तभी उस रूम में एक एंटिटी आ जाती है और वो माइकल को रूम में इधर से उधर मारने लगती है। वो एंटिटी पूरी तरह से माइकल की बॉडी को पोजेस कर चुकी थी। वो एंटिटी माइकल से उसके चेस्ट पर एक रिचुअल स्टार बनवा देती है। फिर नेक्स्ट डे माइकल जब अपने चेस्ट की स्किन को स्ट्रिचेस लगा रहा होता है तो उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। माइकल उस नीडल को अपनी उंगली में ही घुसा देता है लेकिन उसे फिर भी दर्द नहीं होता। अब वो आवाज माइकल को बार बार उसकी बेटी को मारने के लिए कहती है लेकिन माइकल इसके लिए इनकार कर देता है। एक रात माइकल एक अनजान औरत का पीछा करता है ताकि वो उसे मार दे और शैतान उसकी बेटी को कुछ ना कहे, लेकिन वो उस औरत को नहीं मार पाता बल्कि रोड साइड पर जो आदमी सो रहा होता है वो उसे मार देता है। अब माइकल ये नहीं चाहता था कि वो और ज्यादा नुकसान करे क्योंकि उसका अब खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए वो घर जाता है और खुद को हैंडकफ लगा कर उसकी चाबी खुद से काफी दूर फेंक देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागता है तो देखता है कि हैंडकफ से वो खुल चुका है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। दीवारों पर खून से कुछ न कुछ लिखा हुआ है, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं और एक रिचुअल स्टार जमीन पर बना हुआ है। इसके बाद माइकल टीवी पर रिकॉर्डिंग देखता है। अब यहाँ पर पिछली रात का सीन हमें दिखाया जाता है कि माइकल आखिर आजाद कैसे हुआ। असल में उस रात माइकल का कैमरामैन उसके घर आया था लेकिन उस टाइम माइकल की बॉडी में डीमन था जिसने माइकल की बॉडी को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था और उस डीमन ने चालाकी से माइकल बनकर अपना हैंडकफ उस कैमरामैन से खुलवाया था। अब ये देखकर माइकल उस कैमरामैन को कॉल करता है लेकिन उस कैमरामैन के फोन की रिंग ऊपर वाले रूम से सुनाई दे रही थी लेकिन कॉल कोई भी पिक नहीं कर रहा था। इसके बाद माइकल ऊपर जाकर अपनी बेटी के रूम को चेक करता है लेकिन तभी वो देखता है कि वो कैमरामैन मर चुका है और दीवार से लटका हुआ है। अब माइकल को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसने किसी की जान ले ली, इसीलिए वो इस सारे सिचुएशन से जान छुड़ाने के लिए मेडिसिन खा लेता है और वो कैमरा में कहता है कि होप किसी को मेरी ये रिकॉर्डिंग मिल जाए और जिसको भी मेरी ये रिकॉर्डिंग रिसीव वो आगे भी शेयर करें और मेरी बेटी से कहो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो डीमन माइकल की वॉमिट करवा देता है जिससे वो सारी मेडिसिन बाहर निकल जाती है। अब वो डीमन मिरर को तोड़ देता है और वो माइकल को कहता है कि तुम्हें हर सूरत अपनी बेटी को मारना ही होगा, लेकिन यहाँ भी माइकल अपनी बेटी को मारने से इनकार कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में माइकल एक रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था और जो आवाज उसके सर में गूंज रही थी वो उसे कहती है माइकल अब हम दोनों साथ हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल की सिस्टर और उसकी बेटी घर आते हैं। यहाँ पर माइकल अपनी बहन का गला पकड़ लेता है और उसे एक ही हाथ से ऊपर हवा में कर देता है जिससे उसकी गले की हड्डियाँ टूट जाती हैं और उसकी बहन की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ टाइम के लिए माइकल अपनी असली हालत में वापस आता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। तब माइकल की बेटी अपने रूम में जाकर छुप जाती है। तब माइकल उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस डीमन ने माइकल की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब वो डीमन माइकल की बेटी को ढूंढ लेता है लेकिन तभी टेबल पर पड़ा हुआ कॉइन घूमने लगता है और ये वही कॉइन था जो मरने से पहले
माइकल की वाइफ के हाथ में था। अब यहाँ पर माइकल और उस डीमन के बीच फाइट होने लगती है। माइकल नहीं चाहता था कि वो डीमन उसकी बॉडी को पोजेस करे, इसीलिए वो अपनी वाइफ की सॉल से हेल्प मांगता है। इसके बाद वो मिरर में देखता है और कुछ टाइम के लिए उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल मिल जाता है। ये देखकर माइकल विंडो से कूद जाता है और उसकी फौरन ही मौत हो जाती है। माइकल की मौत के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।